गुड मॉर्निंग एवरीबी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स वार फिर आईसी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच नंबर टेन कवर करेंगे अपने इस वीडियो में पापू गिनी वर्सेज हॉन्गकॉन्ग इसके साथ जो है मैच नंबर नाइन भी चालू होगा इस लीग का जो कि खेला जाएगा नीदरलैंड वर्सेज युगांडा के बीच उसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है जिसने नहीं देखा है जाके चेक कर सकते हैं बहुत शानदार मैच होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए उस मैच में जो इन्वेस्ट करना है ना आपको वॉलेट का एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट इन्वेस्ट करके चलना उस मैच में लेकिन शर्तें क्या है उस मैच में इन्वेस्ट करने की वो आप जब वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा ठीक है अब इस मैच पे आते हैं उससे पहले जो भी चैनल पर नया है मेक श्योर sure कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो बेलाइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी लिंक पर टैप करोगे तो पहुँच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको गेबावेज बाकी सारी अपडेट जो है मिलती रहती है तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर आना फाइनल टीम्स भी आपको वहीं मिलेगी अभी के लिए जो प्री टॉस अपनी जो इन्फो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये जो मैच है एथलेटिक क्रिकेट क्लब बुलवायो में खेला जाएगा इक्कीस डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर है अभी रिसेंट तो जो मैचेज हुए दो एथलेटिक क्रिकेट क्लब पर एक दिन पहले वहाँ पर देखोगे तो पापू ने गिनी जीता था चेस करते हुए आठ विकेट से और यूएस जीता था एक रन से यूएस ने दो तो रन बनाए थे पापू ने गिनी ने सोलह ओवर में एक सौ इकसठ रन बनाए थे एक चीज का पता चलता है इन स्कोर्ट्स से कि अच्छा बैटिंग ग्राउंड है अच्छा बैटिंग ग्राउंड है मतलब पापू ने गिनी और हांगकांग दोनों ही इन्जॉय करेंगे दोनों के पास कुछ अच्छे पावर हिटर्स हैं ठीक है, है? आ, जो फेवरेट्स रहेगा इस मैच में वो हमारे लिए हॉन्गकॉन्ग रहेगा ड्यू टू दे स्पिन एबिलिटीज़ उनके पास स्पिन जो है वो बहुत तगड़ी है पापू युगना से अगर कंपेयर करोगे तो और पापू नुगना के पास जो बॉलर्स हैं पेस बॉलर्स एक दो को छोड़ के कोई इतना खास नहीं है और हॉन्गकॉन्ग की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमारे लिए इस मैच में जो फेवरेट्स रहेंगे वो हॉन्गकॉन्ग रहेंगे बाकी देखते हैं क्या होता है आगे चलते हैं इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वीन स्पोर्ट्स बुलवाए से थोड़ा अलग है एथलेटिक स्पोर्ट्स पर आप देखोगे कि स्पिनर्स जो है ना आ, वो मतलब पेसर्स के आसपास ही हैं जबकि अगर आप क्वीन स्पोर्ट्स पे बात करोगे तो पेसर्स ऑलमोस्ट डबल विकेट लेते स्पिनर्स से यहाँ पे ऑलमोस्ट आसपास है जहाँ पेसर्स को फिफ्टी थ्री मिल रहे हैं वहाँ स्पिनर्स को चालीस विकेट मिल जा रहे हैं तो अच्छे स्पिनर्स अगर आप लोगे अपनी टीम में तो अच्छा काम आपको करके दे सकते हैं ठीक है प्ले इंग्लैंड पर आते हैं आ, उससे पहले मैं आपको दोनों टीम के अभी तक के रिकॉर्ड बता दूँ तो पापू न्यू इंग्लैंड ने दो मैचेस खेले हैं एक जीती है एक हारी है हांगकॉन्ग ने दो मैचेस खेले दोनों के दोनों हारी है इवन युगांडा से भी हांगकॉन्ग जो है हार के आ रही है तो उनके जो कॉन्फिडेंस है अच्छी खासी बैल्टिंग मिली उस कॉन्फिडेंस को देखते हैं पापू निकेना के अगेंस्ट क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं पापू निकेना की प्लेइंग एलेवन से लीगसिया को और रसद वल्ला आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे रिसेंट दो मैचेस में इनके स्कोर्स देखोगे तो लीगसिया का एक में अट्ठारह एक में ग्यारह वहीं असद वल्ला लास्ट मैच में अच्छा करके आया है नाइन्टी थ्री रन इन्होंने बनाए थे नॉट आउट और अपनी टीम को जिताया था चार्ल समीनी लास्ट मैच में दो विकेट मिले थे चार्ल समीनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर लेग ब्रेक दिया लेकिन ये पार्ट टाइम और मतलब राइट को लेग ब्रेक डालते हैं और लेफ्टी को ऑफ स्पिन डालते हैं और सामने जो है हॉन्ग के कप्तान नियाजकत नी नि, नज़ाकत खान वो आपको लेफ्टी बैटिंग करते हुए देखते हैं तो चार्ल्स अमीनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आ, कि वो न्यू बॉल से बॉल डालें ठीक है उसके बाद आते हैं टोनी उरा एक मैच में दो बनाए एक में बैटिंग नहीं आई क्योंकि पापू निकेना लास्ट मैच में दो विकेट से जीत गई थी और जो दो विकेट गिरे थे वो अमीनी और लीगर सिया कर गई थे और सरसे बाबू को प्रमोट कर दिया गया था तो उन्होंने फोर्टी रन बना दिए थे ठीक है आ, इनकी बॉलिंग से देखोगे तो नॉर्मल वन हुआ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके एक विकेट मिला था उससे पहले कोई विकेट नहीं साइमन अटाई की तो खैर सिर्फ एज अ विकेट कीपर खिलाते हैं इनकी बैटिंग आती नहीं है डायमंड रेगू लास्ट मैच में जीरो उससे पहले एक विकेट आ, सीमो कमिया अच्छा बॉल डाल रहे हैं न्यू बॉल से डालते हैं दो ओवर्स और दो ओवर्स अपने डेथ के लिए बचाते हैं लास्ट मैच में एक विकेट उससे पहले दो विकेट रायली हैकोरे की बात करूँ तो ये आपको बैटिंग थोड़ी ऊपर करते हुए दिख जाते हैं और ठीक ठाक लग पे ये मार लेते हैं लास्ट तो लास्ट मैच में जीरो विकेट और उसके पहले जो है उसके पहले वाले मैच में एक विकेट जो अभी तक दो आ, मैचेस खेले इस टूर्नामेंट में उसके रिकॉर्डिंग रायली है कूरे के पापू निकन की प्लेयर की बात हो गई इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वहीं इनके कैप्टन असद वल्ला लास्ट मैच में एक आधो ओवर बॉल भी डाली थी यहाँ पे भी आपको ऑफ स्पिन डालते हुए देख सकते हैं क्योंकि हांगकांग की टीम में बहुत सारे लेफ्टी हैं चार्ल्स अमीनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लीगत सिया का प्रेफर आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो क्योंकि हॉन्गकॉन्ग की बॉलिंग आप देखोगे ना तो अच्छे मीडियम पेसर्स सेक्ट कर रही है हॉन्गकॉन्ग की टीम जब आप उन, उनकी प्लेइंग राउंड देखेंगे तब आपको पता चलेगा ठीक है तो ये तीन प्लेयर्स और चौथा अगर पहले बैटिंग करती है तो टोनी तो ओरा अगर चेस करती है तो फिर नॉर्मा वनुहा और डायमंड रेवो की तरफ मैं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे डेथ ओवर्स में बॉल भी डाल के देंगे ठीक है तो ये मेरे दो बॉलिंग से पिक होंगे तीसरा साइम सीमो कमुआ अगर पहले बॉल डालते हैं तो सेम विथ रायलू हैकूरे अगर पहले बॉल डालते हैं तो ही मैं इन दोनों को पिक करूंगा वरना मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलूंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली टोनी ऊरा होंगे ठीक है तो अभी चार प्लेयर जो आप पिक कर सकते हो और सदवल्ल चार्ल अमीनी दो तीसरा वन हुआ चौथा डायमंड रेवू पाँचवा अगर आपको पिक करना है तो पहले बैटिंग करती है टोनी ऊरा पहले बॉलिंग डालती है तो सेम हुआ कम या फिर रायली है ठीक आगे चलते हैं हॉन्गकॉन्ग के प्लेइंग एल की तरफ तो निज़ाकत खान लास्ट मैच में साठ रन बना के आ रहे हैं राइटी बैट्समैन है उसके साथ नीचे जब मिडल ऑर्डर में हो तो किंचित सा और यासी मुर्तज़ा आपको लेफ्टी बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे ठीक है अब ये दोनों लेफ्टी हैं तो मतलब सामने से आपको चार्स अमीनी और असद वल्ला जो है बॉल डालते हुए दिख जाएंगे अब निज़ाकत खान के साथ एजाज खान ओपन कर रहे हैं लास्ट मैच में आठ रन एक विकेट उससे पहले सात रन तीन विकेट निज़ाकत खान बॉल नहीं डाल रहे हैं अभी पहले डालते थे, थे लेकिन बैटिंग अच्छी करते हैं आप देख सकते हो एक सौ दो का स्कोर है यहाँ पे साठ का स्कोर है बाबर हयात बैट्समैन कितने अच्छे हैं आपको इनके रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं बता पाएंगे तीन मैचेस के लेकिन उसके पहले के जब रिकॉर्ड्स देखोगे तब तो आपको पता चलेगा फिफ्टी फोर सिक्सटी नाइन्टी सिक्स एटी वन फिफ्टी सेवन लगातार पाँच पचास इन्होंने बनाई थी तो बाबर हयात सिलेक्शन परसेंटेज कम है और यही मौका है आपको इनको जी में कैप करने का कम से कम दो से तीन टीमों में अगर हॉगकॉन्ग पहले बैटिंग करती है तो कंचित शाह इनके एक्स कैप्टन तेरह रन सैंतीस रन जीरो विकेट ये इनके दो मैचेस का परफॉर्मेंस है उससे पहले देखोगे छप्पन अड़तीस अट्ठावन कंसिस्टेंटली ये भी परफॉर्म करते हैं तो अगर मेरे को एक प्लेयर ड्रॉप करना हुआ टॉप ऑर्डर से तो वो मैं नज़ाकत खान को ड्रॉप करूँगा क्योंकि कंसिस्टेंटली लैक करते हैं लेकिन बड़े स्कोर ये भी बनाते हैं चालीस एक सौ दो इकतालीस सेवेंटी नाइन साठ और सामने जो है अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो खैर मैं नहीं कहूँगा लेकिन मीडियम पेसेस उनके ठीक था कि पाप उन्हें करके तो स्टार्टिंग से एटलीस्ट एक विकेट हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि नज़ाकत या फिर एजाज का होगा लेकिन मिडल ऑर्डर जो है फिर फायर करेगा बाबर हयात तो कंचित शाह ये दोनों मुझे लगता है कल के मैच में बड़े रन्स बनाने वाले हैं ठीक है तो ये टॉप चार की बैटिंग हुई उसके बाद यासी मुर्तजा इनके ऑलराउंडर है लेफ्ट लेफ्ट की बैटिंग बाट, करते हैं और फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है पंड डालते हैं ये इनके रिसेंट स्कोर से देखोगे तो अच्छा खासा करके आ रहे हैं अभी जो डोमेस्टिक हुआ था हॉन्गकॉन्ग क्रिकेट लीग का जो डोमेस्टिक टी ट्वेंटी टूर्नामेंट था ये वहाँ के रिकॉर्ड्स अच्छा करके आ रहे हैं यासीम मुर्तज़ा ग्रैंड लीग के आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं फिजीशियन अली इनके विकेट कीपर हरुण अरशद राइटम मीडियम पहले इनिंग में बॉल डालते हैं तो इम्पॉर्टेंट है चेस करते हुए आ, मुझे लगता है कि चेस करते हुए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगी पहले बॉल डालेंगे तो डेथ में बॉल डालते हैं ठीक है और चेस करेंगे तो अगर बैटिंग आती है तो रन बना सकते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा पैंतीस चालीस ये एक इकतालीस मतलब ये अगर दस मैच में आप देखोगे तो ये तीन अच्छे स्कोर हैं इनके लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि हर मैच में एटलीस्ट एक आधा हाँ विकेट इन्होंने ले के दिया है हरुणार ने फिर आते हैं एहसान खान राइट आर्म ऑफ स्पिन ये डालते हैं बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं हर मैच में विकेट दिख जाएगा इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो एक विकेट एक विकेट दोनों मैचेस में मिला है मोहम्मद वाहिद की बात करोगे तो मीडियम पेसर इनकी तरफ से एक विकेट, एक विकेट एक विकेट एक विकेट दो विकेट हर मैच में मोहम्मद वाहिद को दिखता है डेथ ओवर्स में ये बॉल डालते हो आपको दिख जाएंगे आयुष शुक्ला के साथ ठीक है और इनके यंग लेग स्पिनर है मोहम्मद गजनफर लेग स्पिन डालते हैं और अच्छी डालते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि सामने लेफ्टी और लेफ्टी के सामने लेग स्पैन ज़्यादा डलवाएँ ना डलवाएँ वो एक थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप गजना पर पिक कर लेते हो और अपना बॉलिंग कोटा कम्प्लीट नहीं करते हैं तो आपका एक स्पॉट जो है वेस्ट चला जाएगा अब इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो टॉप चार के चार ले लेना सेफ़्टी के लिए और जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वो नज़ाकत खान को ड्रॉप कर देना ठीक है थीके? अभी क्योंकि सेफ़ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो चार प्लेयर्स हमारे ये हो जाएंगे और दो बॉलर्स में पिक करूँगा एक रहेंगे स्पिनर एहसान खान दूसरे रहेंगे मीडियम पेसर मोहम्मद वाहद या फिर हरुण अरशद भी आप पिक कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना अरशद शायद अपना कोटा कंप्लीट ना करें क्योंकि वाहिद एहसान खान आयुष शुक्ला गजनफर यही ही पापू कहने की बैटिंग को संभाल लेते हैं अगर असद वल्ला को जल्दी आउट कर देंगे तो ठीक है ये चीज़ें दोनों ही टीम से मैंने आपको प्लेंग में बता दी रिकॉर्ड्स बता दिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन क्या है वो भी बता दिया अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे पहले इनका दो हेड टू हेड मैचेज हुए हैं और एक बार हॉन्गकॉन्ग जीते और एक बार पापू ने के लिए जीते ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि हॉन्ग कॉन्ग आउटसाइड जीत जाएगी या फिर पापनी गिने को बिल्कुल डोमिनेट करेगी पापुनी गिना भी यह मैच जीत सकती है तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हमें बनाना है अभी यह जो कॉम्बिनेशन है ये पापुनी गिना अगर पहले बॉल डालती है उस बेसिस पे कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल वन हुआ डायमंड रेबू और साममन कमिया ये तीनों मीडियम पेसेस हमें चाहिए रहेंगे और एक स्पिनर हमें चाहिए चार्ल्स अमीनी ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा जब पापुनी गना पहले बॉल डालती है इधर से जो मैंने आपको बताया था बाबर हयात ठीक नज़ाकत खान विकेट कीपिंग सेशन से क्योंकि साइमन अटाई तो बैटिंग करते है नहीं हैं ना उनको बैटिंग मिलती है तो जीशन अली हम पिक कर लेते हैं उन्हें ले लिया यहाँ से बाबर हाया तो नज़ाकत खान मैंने लिया है टॉप थ्री मैंने कवर करने की कोशिश करी है जो मैंने आपको बोला था कि मैं कंचित शाह लेना तो चाहता था, था लेकिन टॉप थ्री मुझे लगता है कि चेस कर देगी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पापू ने के हॉन्ग मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो दो बॉलर्स एहसान खान अभी हरून अरशद लिए है सेफ जाने के लिए जो इसकी प्लेयर्स हैं वो मोहम्मद वाहिद पिक कर लेना हरून अरशद की जगह अब यही चीज़ उल्टी होती है हॉन्ग अगर पहले बॉल डालते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे साइमन कमिया आ, मेरी टीम से बाहर हो जाएंगे ठीक हरून अरशद मेरी टीम से बाहर हो जाएंगे आ, साइमन कमुया की जगह मैं हो सकता है मोहम्मद गजनफर की तरफ जाऊँ और हरून अर्शद की जगह मैं मोहम्मद वाहिद की तरफ़ जाऊँगा ये दो चेंजेस होंगे तीसरा जो चेंज होगा वो ये होगा कि कीपर जीशन अली की जगह फिर आप साइमन अटाई पिक कर लेना और बैटिंग तो फिर वही टॉप थ्री रहेगी तो क्योंकि पापू निकन अगर पहले बैटिंग करती है तो कम स्कोर पे आउट हो जाएगी और टॉप थ्री ही जो है हांगकॉन्ग का चीज़ कर लेंगे हॉन्गकॉग अगर पहले बैटिंग करती है तो दिक्कत है हमें कंचित शाह की क्योंकि अगर उनकी बैटिंग आगी तो रन बना सकते हैं तो हॉन्गक अगर पहले बैटिंग कर रही है इस कॉम्बिनेशन में आप बस एक चेंज कर लेना हारून अरशद बात कर बाहर कर देना कंचित शाह पे कर लेना और फिर यहाँ से साइमन कमू या फिर डेमन रहू को बाहर करके एक, एक एक्स्ट्रा बॉलर वाहिद अहमद आप ले लेना तो आपकी जो टीम है वो बैलेंस्ड हो जाएगी इन केस कैचित चाह रन बनाते हैं तो भी ठीक है तो ये थी मेरी फाइनल टीम ये था मेरा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी समझ आ गई हो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना मैं आपसे मिलूँगा फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अ गुड डे